दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग लाखों प्लेन, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर नॉन कमर्शियल प्लेन्स हो, दुनिया के किसी न किसी कोने से उड़ान भरते हैं और आसमान में उड़ने के बाद अपने गंतव्य पर लैंड भी कर जाते हैं। आंकड़ों की माने तो एरोप्लेन ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफेस्ट मोड है, क्योंकि इसमें डेथ रेट बाकी ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले काफी कम होती है। दोस्तों, एरोप्लेन में बैठना हर किसी को पसंद होता है और इसके जरिए ऊंचाई से एक अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। दोस्तों, आपको दिमाग में कभी ना कभी एक बात तो जरूर आई होगी कि क्या हम एरोप्लेन से अंतरिक्ष में जा सकते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन, स्वागत करता हूं आप सभी का अजब गजब न्यूज में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एयरक्राफ्ट के प्रकार की, यानी कि एयरक्राफ्ट के टाइप्स की। जी हाँ दोस्तों, ये एरोप्लेन्स, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्वाडकॉप्टर्स आदि इसके प्रकार होते हैं। एरोप्लेन से स्पेस में क्यों नहीं जाया जा सकता, ये जानने से पहले हमें उस तकनीक को समझना जरूरी है जिससे कि पता चले कि प्लेन कैसे उड़ता है। दोस्तों, एरोप्लेन में उड़ान भरने के लिए मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। पहले, एरोप्लेन के लंबे चौड़े विंग्स जो कि प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं, और वहीं दूसरा उसका भारी भरकम जेट इंजन जो कि एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अधिकतर एरोप्लेन्स में जेट प्रोपल्शन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और हर प्लेन का एक निर्धारित फ्लाइंग एटीट्यूड होता है। आमतौर पर कमर्शियल प्लेन 45,000 फीट की ऊंचाई यानी करीबन धरती से 13 किलोमीटर तक ही उड़ पाते हैं, और कुछ कॉर्पोरेट जेट्स करीबन धरती से 51,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ते हैं। लेकिन क्या हम इससे ऊपर भी जा सकते हैं? दोस्तों, सतह पर हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही डेंस है, लेकिन जैसे जैसे हम सतह से ऊपर जाते हैं तो कम ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर पतला होता चला जाता है। पतला एटमॉस्फेयर का मतलब है कि लेस एयर डेंसिटी, यानी कि कम हवा के पार्टिकल्स और बेहद कम ऑक्सीजन, साथ ही एयर मॉलिक्यूल्स की कमी भी, यानी कि एरोप्लेन को लिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी यानी कि इंजन में फ्यूल बर्न करने में दिक्कत आएगी। इससे इंजन थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा जिसके कारण एरोप्लेन हवा में स्टेबल नहीं रह पाएगा। कर्मन लाइन, यानी कि वो ना दिखाई देने वाली रेखा जो हमारी पृथ्वी के वातावरण और आउटर स्पेस को अलग करती है। दोस्तों, ये बाउंड्री सी लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई को कहा जाता है, यानी कि इस बाउंड्री के बाहर 100 किलोमीटर जाने पर आप आउटर स्पेस पर होंगे और वहीं से थर्मोस्फेयर की शुरुआत होती है। एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन कुछ खास तरह के प्लेन्स इससे भी हाई एटीट्यूड में जा चुके हैं। 31 अगस्त 1977, एक सोवियत टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव MiG-25 प्लेन को ऐतिहासिक एटीट्यूड तक ले गए थे। उन्होंने उस फाइटर प्लेन को सी लेवल से 37 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ाया था, जो कि जमीन से भरी गई उड़ान का हाईएस्ट रिकॉर्ड एल्टीट्यूड है। लेकिन ये ऊंचाई भी कर्मन लाइन की एक तिहाई है। इस ऊंचाई तक जाने के लिए पायलट को खास तरह के सूट को पहनना पड़ता है जिसके साथ ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। साल 1963 में अमेरिकन पायलट जोसेफ एल्बर्ट वॉल्कर ने 3 उड़ान भरी थी, जिसमें उन्होंने 2 बार X-15 फ्लाइट 90 और X-15 फ्लाइट 91 के जरिए कर्मन लाइन को पार किया था। फ्लाइट 90 19 जुलाई 1963 में किया गया था, उसमें उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। फिर फ्लाइट 91 जो कि 22 अगस्त को किया गया था, उसमें 108 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। इस फ्लाइट के बाद वॉल्कर को एस्ट्रोनॉट का नाम दिया गया क्योंकि उन्होंने स्पेस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था। X-15 एक एक्सपेरिमेंटल प्लेन था जो कि नासा और US एयर फोर्स जॉइंटली ऑपरेट कर रहे थे। X-15 खास तरह से डिजाइन किया गया प्लेन था जिसमें रॉकेट इंजन लगाया गया था, लेकिन X-15 प्लेन को तकरीबन 45,000 फीट की ऊंचाई तक B-52 बॉम्बर्स के जरिए कैरी करना पड़ा था, जहां से उसने आगे की उड़ान भरी थी। लेकिन नॉर्मल प्लेन इस ऊंचाई को अचीव नहीं कर सकता है क्योंकि एरोप्लेन में उड़ान भरने के लिए एटमॉस्फेयर पर वो निर्भर होता है। इन्हें उड़ने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या रॉकेट बिना किसी ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर के स्पेस में चला जाता है? जी हाँ दोस्तों, रॉकेट के अंदर रॉकेट फ्यूल के साथ साथ उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं जो रॉकेट को फ्यूल को बर्न करने में मदद करते हैं, और इसीलिए रॉकेट को किसी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। इसीलिए वो आराम से बिना किसी एटमॉस्फेयर के आउटर स्पेस में चले जाते हैं। दोस्तों, किसी भी चीज को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए उसे एस्केप वेलोसिटी को पार करना होता है। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी जिसके जरिए ग्रेविटी को पार किया जा सके,
दोस्तों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड अर्थ की स्केप वेलोसिटी है। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड अचीव करनी होती है, तब जाकर वो अर्थ की ग्रेविटी के खिंचाव से बाहर जा पाता है। और इस स्पीड को अचीव करने के लिए रॉकेट को अपने साथ ढेर सारे फ्यूल और ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है। जितना ज्यादा पेलोड होगा उतना ज्यादा फ्यूल और ऑक्सीजन उसे स्पेस पर ले जाना पड़ता है। स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट 64 मैट्रिक टन को स्पेस में ले जा सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन दोस्तों भविष्य में प्लेन्स ऐसे बनाए जाएंगे जो कि आउटर स्पेस को आसानी से पार कर पाएंगे, और इस चीज की दिशा में अब वैज्ञानिक लगातार कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस जानकारी के बारे में क्या लगता है जरूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं किशन चंद आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।